गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में, फिजिक्स 12th क्लास सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज हिंदी मीडियम टॉपिक जो है वो, यानी चैप्टर सेकेंड से एक्सरसाइज क्वेश्चन जो अभ्यास क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन चल रहा है। उनमें से आज का जो टॉपिक है वो 2.6 है। क्वेश्चन नंबर की यदि बात करें तो 2.6 एक्सरसाइज। सेवन भी बता देते हैं, 2.67, ठीक है ना। तो 2.6 और 2.7 आज बताएंगे। ये है संधारित्रों के संयोजन से, संधारित्रों का संयोजन। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसका डिटेल जानने के लिए आप चैनल में, प्लेलिस्ट में जाएंगे और सेकेंड चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि ये हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फार्मूला से बताएंगे, वो फार्मूला डेरिवेशन आपको प्लेलिस्ट में जाके ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो संधारित्रों के संयोजन से है। अब यहाँ थोड़ा सा हम याद जरूर दिलवा देंगे कि संधारित्रों का जो संयोजन है दो प्रकार से जब करते हैं तो एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन। तो फार्मूला जरूर लिखे देते हैं, श्रेणी क्रम में संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो 1/CS इक्वल टू फार्मूला होता है ये, और समांतर क्रम में फार्मूला होता है, समांतर क्रम में CP इक्वल टू C1+C2+C3, ठीक है। संधारित्रों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम का ये फार्मूला है और समांतर क्रम के ये फार्मूला है। ये आया कहाँ से है इसको डिटेल जानने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, है ना। आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है 2.6 में। 2.6 में क्वेश्चन क्या है, वैसे आप क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, है ना। उसमें लिखा हुआ है 9 pF धारिता के, 9 pF धारिता वाले 3 संधारित्रों को, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो नंबर 1 परिणामी धारिता ज्ञात करो, एक ये प्रश्न है। इसमें दूसरा ये है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, यह है प्रश्न। प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है कि 9 pF धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। परिणामी धारिता ज्ञात करो, पहला प्रश्न। दूसरा बोल दिया
यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, ये प्रश्न है। समझ में आ गया? संधारित्र कितने हैं? तीन। उनकी धारिता कितनी है? 9-9। जोड़ा कैसे गया है? श्रेणी क्रम में। और कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्शन है? 120। लाना क्या है? परिणामी धारिता और प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर लाना है। प्रश्न समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आप ऐसे बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। अब उसका सलूशन देखिए। हल के लिए देखिए, एक संधारित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसकी धारिता C1, C2, C3 और इसको जोड़ा किससे गया है? 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, ऐसा क्वेश्चन कहता है, ठीक है ना। ये कहता है कि इसका विभवांतर कितना होगा, इसका विभवांतर कितना होगा, इसका विभवांतर कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर C1 = C2 = C3 = 9 pF दिया है, मीन्स 9×10^-12 F, ठीक है। अब जुड़े किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं? तो यहाँ लिख दो, श्रेणी क्रम से हम जानते हैं 1/CS = श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता CS 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/9 + 1/9 + 1/9 LCM ले लिया 9 1 + 1 + 1 3/9 1/CS = तो CS = 9/3 = 3 तो CS = 3 pF। या इसी को चाहो तो लिख सकते हो CS = 3×10^-12 F। ये CS यानी श्रेणी क्रम का परिणामी धारिता। अब ये बता दें, इसमें आपको बता दें प्रत्येक का आवेश, पहले हम यहाँ से हमको परिणामी ये वोल्टेज विभवांतर पता है, ये धारिता, तो आवेश ला लेते हैं। क्या ला लेते हैं? आवेश। क्या कर दिया जाए? आवेश ला दिया जाए। तो आवेश लाने के लिए Q = CV, Q = क्या कर देंगे? CV कर देंगे। तो C की वैल्यू कितना है जो परिणामी आया है वो, और V की वैल्यू कितना लिख देंगे? 120, ठीक है ना। और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा पहले आवेश का मान, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q = CS × V। CS का मान कितना है? 3×10^-12। अब V का मान कितना है? 120। तो ये 12×36 360×10^-12 36×10^-11 ये कूलाम। और ये बता दें, जो आवेश पहले के लिए होगा वही आवेश दूसरे के लिए होगा, वही आवेश तीसरे के लिए। अब सुनना, तीनों की धारिता समान है, तीनों की धारिता समान है, तीनों का आवेश समान हो गया, तीनों की धारिता समान है, तीनों का आवेश समान हो गया, तो निश्चित है कि तीनों के लिए विभवांतर भी समान ही आएगा,
तो चाहे एक ठुका ला दो तो वही सब का हो जाए, चाहे अलग अलग लाओ। जब हमने बता दिया कि तीनों का एक ही होगा, तीनों का ही जब आवेश समान है, तीनों का धारिता समान है, तो तीनों के लिए विभवांतर भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर हमको लिखना पड़ेगा वी इक्वल टू क्यू अपान सी। तो क्यू इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, ये 36 × 10⁻¹⁰ और सी कौन सा लेना है, हर एक का जो धारिता है, परिणामी वाला नहीं लेंगे, ये वाले तो सब में 9-9 तो है, तो 3 बार लगाने की क्या ज़रूरत है, एक ही ला देंगे वही सबका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा नंबर के लिए इसका दूसरा पार्ट, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर है ना, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्यू अपान सी। अब C1 लिख दो, चाहे C2 लिख दो, चाहे C3 लिख दो, कोई सा लिखे देते हैं, C1 ही भर लिखे देते हैं, ठीक है ना। तो Q का मान कितना है, 36 × 10⁻¹⁰ और C1 का मान कितना है, 9 × 10⁻², 9 pF है, तो फैराड में ये हो जाएगा। अब यहाँ चाहे C1 लिखो, चाहे C2 लिखो, चाहे C3 लिखो, चाहे हम C ही लिख दें, पर ये CS मत सोचना, परिणामी वाला नहीं है, इनमें से आए है। इस C का मतलब, बात को समझ लीजिए, इस C का मीन्स ये में से कोई सा 1/1 निकालोगे तो V1 = Q/C1, 2 का तो V2 = Q/C2, तीसरे का तो V3 = Q/C3, पर हमने कह दिया V1, V2, V3 जो है बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सबका आवेश समान है, सबकी धारिता समान है। अलग अलग धारिता होती तो अलग अलग निकालना पड़ता, ये भी जान लो। ये मत सोचना कि C1, C2, C3 में से कोई सा लिख देना है, इसमें तीनों समान है इसलिए आया ऐसा कह दिए, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में आवेश जरूर समान रहेगा, लेकिन धारिता सबकी समान हो तो प्रश्न में जैसा दिया रहेगा समान दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन आवेश सबका समान होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 36 4 × 10⁻¹⁰ × 10⁻½, तो 4 × 10 यानी 40 वोल्ट, यानी इसका विभवांतर 40 वोल्ट होगा, इसका भी विभवांतर 40 वोल्ट होगा, इसका भी विभवांतर 40 वोल्ट होगा, तभी तो तीनों मिला के 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वो कितना आएगा, 40 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की यदि बात करें तो कितना आएगा, 36 × 10⁻¹⁰ कूलाम। और यदि परिणामी धारिता की बात किया जाए तो कितना आया था, 3 आया था ना। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। तो ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन से, ठीक है ना। अब संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन वाला भी एक प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, आप लोग बुक से क्वेश्चन देख सकते हो, और ये पढ़ने वालों के लिए है, तो जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ते होंगे तो उनके पास बुक तो होनी चाहिए। क्वेश्चन उसमें ये लिखा हुआ है, सुना देते हैं हम क्वेश्चन, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं,
क्वेश्चन 2.7 में ये लिखा है, तीन ठो संधारित्र है, तीन संधारित्र, अच्छे सुनना क्वेश्चन, तीन संधारित्र है, उनकी धारिता 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या कहा? तीन संधारित्र है जिनकी धारिता 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता ज्ञात करो, पहला ये क्वेश्चन है। फिर बोला कि संयोजन को 100 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया गया है, 100 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया गया है, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करो। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कहा है, एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है, तीसरा संधारित्र ये है, इनको जोड़ा गया है किस क्रम में? समांतर क्रम में। ये है C1, ये है C2, ये है C3। C1 बराबर 2 पिकोफैरड, C2 बराबर 3 पिकोफैरड और C3 बराबर 4 पिकोफैरड। ठीक, और ये बोला कि इनको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, भी बराबर 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े हैं, तो इसमें आवेश कितना होगा, इसमें आवेश कितना होगा, इसमें आवेश कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता CP ज्ञात करना है, तो एक आपको ये ज्ञात करना है और दूसरे नंबर में ये सब कुछ ज्ञात करना है, Q1, Q2, Q3। क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तीन ठो संधारित्र हैं, इसकी धारिता 2 पिकोफैरड, इसकी 3 पिकोफैरड, इसकी 4 पिकोफैरड, इनको जोड़ा गया है समांतर क्रम में और इसको एक 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो दो बातें पूछा गया है, पहला इसकी परिणामी धारिता कितनी होगी, दूसरा कि हर एक संधारित्र में आवेश का मान कितना होगा। तो पहले तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देते हैं, समांतर क्रम का सूत्र लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या कहोगे, समांतर क्रम संयोजन से CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 × 5 × 4 = 9 पिकोफैरड, 9 × 10⁻¹² = 12 फैरड, ये परिणामी धारिता आ गई। ठीक है, अब प्रत्येक संधारित्र के लिए आपको क्या लाना है, आवेश। आवेश लाने के लिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1 भी, Q1 बराबर C1 भी, तो C1 का मान कितना है, ये 2 पिकोफैरड है, तो 10⁻¹² और ये 100, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻¹² Q1 बराबर। ठीक है, प्रत्येक संधारित पर आवेश, तो Q1 बराबर C1 भी, तो C1 कितना है, 2 पिकोफैरड, अब भी की वैल्यू कितना है, 100, तो कितना हो गया, 2 × 10⁻¹². ठीक, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी, तो 3 × 10⁻¹² × 12 ये, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻¹० Q2। ठीक, Q3 = C3 भी, तो 4 × 10⁻¹² × 100, तो ये 4 × 10⁻¹² ये Q3 का मान। ठीक है, तो ये मिल गया Q1, Q2 और Q3, प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान।
ठीक है ना। इसमें ये बता दें सभी संधारित्र के लिए भी का मान सेम होगा, आवेश का मान अलग अलग होगा, धारिता का मान जैसा भी दिया रहे, ठीक है ना। ये रहा तो परिणामी धारिता आ गया सीपी का मान, और प्रत्येक संधारित पर आवेश का जो है तो ये मान हो गया, ठीक। इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए क्वेश्चन नए का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।